नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। बड़ी खुशखबरी आ गई है निकल के, दिल्ली में एक और गेस्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट आ गई है। आज ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है और आज से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस इनका स्टार्ट हो गया है। तो काफी सारी यहां वैकेंसियां हैं गेस्ट टीचर्स की, पीजीटी टीजीटी पीआरटी की, तीनों की हैं। यहां आपको सामने थंबनेल में दिखाई दे भी रहा होगा, पीजीटी के सब्जेक्ट यहां दर्शाए गए हैं। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की यहां 79 वैकेंसियां हैं, इसी तरह से टीजीटी की वैकेंसियां भी हैं। और इनमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो बिल्कुल सेम वही है जो कि DEE SBI के द्वारा मांगी जाती है। इससे पहले जो नोटिफिकेशन या रिक्रूटमेंट आई थी MCDE की तरफ से, उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ अलग ही मांग रखी थी। पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रखी थी TGT के लिए और ग्रेजुएशन मांग रखी थी PRT के लिए, पर यहां बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो क्वालिफिकेशन DEE SBI के द्वारा मांगी जाती है वही यहां मांगी गई है। सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई हमेशा की तरह सबसे पहले आपको हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से ही प्रोवाइड कराई जा रही है। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल और हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन सब्सक्राइब कर ले। इन सभी का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वैकेंसी यहां दे दी गई है। अब देख लेते हैं इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो बिल्कुल आज ही जारी किया गया है MCDE की तरफ से। ये देखिए बिल्कुल नई रिक्रूटमेंट है। 21/12/2020 नोटिफिकेशन पे डेट डली हुई है, पर ये जारी आज 25 तारीख को किया गया है और 25 तारीख को ही जारी होना था। अगर आपने संडे का टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर देखा था तो उसमें इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला गया था, तो उस समय भी मैं आप लोगों के लिए अपडेट लेके आया था, अगर आपने वो वीडियो देखा हो तो। बाकी इनके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है 8 जनवरी 2021। वैकेंसी की डिटेल देख लेते हैं, किसके कितने पद हैं इसमें। TGT PGT और PRT की वैकेंसियां हैं, सीनियर लाइब्रेरियन की भी है, लैब असिस्टेंट की भी है और IT असिस्टेंट की भी वैकेंसियां आई हुई हैं। तो किसकी कितनी वैकेंसी है, सबसे पहले दी गई है PGT लेक्चरर वेरियस सब्जेक्ट्स, इंग्लिश की 7 वैकेंसी है, मैथ्स की 5, इकोनॉमिक्स 3, संस्कृत 4, कॉमर्स 4, फिजिक्स 1, केमिस्ट्री 4, बायोलॉजी 2, हिंदी 3, हिस्ट्री 2, पॉलिटिकल साइंस 1 और ज्योग्राफी की 1 वैकेंसी है। इनके लिए आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और इट्स इक्विवेलेंट ओरिएंटल डिग्री इन केस ऑफ PGT संस्कृत हिंदी। PGT हिंदी संस्कृत के लिए अलग से ये केस है, बाकी कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद डिग्री डिप्लोमा इन टीचिंग एजुकेशन BEd भी आपके पास हो। अपर एज लिमिट 36 साल है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट भी मिल जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स रेगुलेशन टाइम टू टाइम आते हैं, इंस्ट्रक्शंस जारी की जाती हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट यहां मिल जाएगी। इसके बाद आगे चलते हैं, PGT इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस या कंप्यूटर साइंस की भी यहां 5 वैकेंसियां हैं। इनके लिए आपने BE/BTECH कंप्यूटर साइंस में कर रखी है तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में या इसके समकक्ष तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। MCA MSc कंप्यूटर साइंस में या IT में कर रखे तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। मास्टर इन IT और इक्विवेलेंट और MSc मैथमेटिक्स एंड BSc कंप्यूटर साइंस और BCA और इट्स इक्विवेलेंट, तो काफी सारे ऑप्शन हैं कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए यहां पे। पर यहां इनके लिए अपर एज लिमिट 32 साल है। फॉर SC ST OBC फिजिकली हैंडीकैप्ड फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट्स एज पर गवर्नमेंट रूल्स, तो अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। इसके बाद TGT वेरियस सब्जेक्ट्स की यहां वैकेंसियां आ गई हैं। इंग्लिश की 6 पोस्ट हैं, मैथ्स की 8, सोशल साइंस की 5 और नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस की यहां 5 वैकेंसियां आई हुई हैं। इनके लिए कंसर्न सब्जेक्ट में बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए कम से कम 45% अंकों के साथ। इनके लिए अपर एज लिमिट 30 साल है और 40 साल है अपर एज लिमिट फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें सेम वही रूल रेगुलेशन लागू हो रहे हैं जो कि DEE SBI के द्वारा लागू किए गए हैं। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए TGT में अपर एज लिमिट 40 साल है, बाकी के लिए 30 साल, कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट में और भी यहां छूट दी जाएगी। आगे देखिए कुछ नोट दिए गए हैं, ये भी आप देख सकते हैं और इसी के साथ साथ BEd भी आपके पास होनी चाहिए अगर आप TGT के लिए आवेदन कर रहे हैं तो। आगे देखिए TGT मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, TGT हिंदी और संस्कृत की भी यहां वैकेंसी है, हिंदी की 11 और संस्कृत के 10। इनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। TGT हिंदी के लिए बैचलर्स डिग्री ऑनर्स इन वन ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कंसर्न और BA विद MIL कंसर्न एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग 45% मार्क्स इन एग्रीगेट विद वन एडिशनल लैंग्वेज और वन स्कूल सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। तो बैचलर्स डिग्री आपके पास हिंदी में होनी चाहिए और उसी के साथ साथ ग्रेजुएशन में आपके पास
एक एडिशनल लैंग्वेज और भी होनी चाहिए। अगर एडिशनल लैंग्वेज नहीं है तो कोई भी स्कूल सब्जेक्ट डिग्री लेवल पे आपके पास जरूर से जरूर हो। तो 45% अंकों के साथ ग्रेजुएशन। इसी तरह से टीजीटी संस्कृत के लिए भी, संस्कृत में ग्रेजुएशन कम से कम 45% अंकों के साथ, और उसी के साथ साथ बीएड। तो ये क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। और एज लिमिट 30 साल है, वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 40 साल है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट में आपको और भी छूट इसमें मिल जाएगी। आगे चलते हैं, टीजीटी कंप्यूटर साइंस की 5 वैकेंसियां हैं। इनके लिए बीएससी कंप्यूटर साइंस में आप आपने कर रखी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। या ग्रेजुएशन की डिग्री है मैथमेटिक्स में और उसी के साथ साथ 3 साल का डिप्लोमा है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या आईटी में, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो काफी सारे ऑप्शन हैं। यहाँ अपर एज लिमिट 32 साल है। इसके बाद असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की 79 वैकेंसियां हैं। इनके लिए 10+2 आपने कर रखे 50% अंकों के साथ, 5% अंकों की छूट मिल जाएगी SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को। और उसी के साथ साथ आपने JBT DED या ETE कर रखा हो तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर BIED भी अगर आपने कर रखा है तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। इनके लिए अपर एज लिमिट 23 साल है। मस्ट हैव पास्ट हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल में हिंदी आपके पास जरूर से जरूर हो। कंप्यूटर की नॉलेज डिजायरेबल है, जरूरी नहीं है, नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। लाइब्रेरियन की 2 वैकेंसियां हैं। लाइब्रेरी साइंस में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 30 साल है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट में छूट भी आपको मिल जाएगी। लैब असिस्टेंट की अच्छी खासी 14 वैकेंसियां हैं। 10+2 आपने कर रखी हो साइंस स्ट्रीम में तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए लैब असिस्टेंट का। तो यहाँ पे अपर एज लिमिट 30 साल है। और SC ST के लिए अपर एज लिमिट 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की, फिजिकली हैंडीकैप्ट 10 साल की। और SC ST अगर फिजिकली हैंडीकैप्ट कैटेगरी से हैं तो 15, और फिजिकली हैंडीकैप्ट प्लस OBC हैं तो 13 साल की यहाँ छूट दी जा रही है। गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए 5 साल की। IT असिस्टेंट की भी यहाँ 11 वैकेंसियां हैं। सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ए लेवल फ्रॉम DOEIC भी आपके पास होना चाहिए। और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 8000 की डिप्रेशन पर आर। अपर एज लिमिट 27 साल है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी आपको अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। तो और भी काफी सारी टर्म्स एंड कंडीशन है, ये भी बिल्कुल शॉर्ट में देख लेते हैं। ज्यादा विस्तार से सारी इन्फॉर्मेशन इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई कल हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। मेन मेन इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, DSSSB में जिस प्रकार से क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, जो रूल्स लागू होते हैं वही यहाँ पे भी लागू हैं इस रिक्रूटमेंट में भी, वो आपको पता ही होगा। अगर आप वहाँ एलिजिबल हैं DSSSB में तो आप यहाँ पे भी एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। डेली बेसिस पे आपको रखा जाएगा, जितने दिन की हाजिरी होगी आपके महीने में उतनी आपको सैलरी दे दी जाएगी। रिजर्वेशन और एज रिलैक्सेशन SC ST OBC EWS और डिसेबल्ड पर्सन के लिए एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर्स मिल जाएगा। द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन अंडर EWS कैन बी अवेल्ड अपॉन प्रोडक्शन ऑफ एन इनकम एंड असेस्ड सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कंपेटेंट अथॉरिटी। द सर्टिफिकेट ऑफ OBC शुड बी इश्यूड अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। फॉर SC ST कैंडिडेट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय एनी स्टेट UT विल बी कंसिडर्ड। अब दे रखा है सिलेक्शन प्रोसेस, 90% वेटेज आपकी होगी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की और 10% जो वेटेज होगी वो आपकी होगी एक्सपीरियंस की। तो आप देख सकते हैं। और आगे देखिए, एज पर दिल्ली गजट नोटिफिकेशन डेटेड 7/10/2011 ओनली दोज हु आर क्वालिफाइड इन एलिमेंट्री स्टेज इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET कंडक्टेड बाय CBSE विल बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी एंड TGT वेरियस सब्जेक्ट MIL। हाउएवर मार्क ऑब्टेन इन CTET विल नॉट बी काउंटेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ पैनल्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं, द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शुड ऑल्सो मैंशन द नंबर ऑफ डेज वर्कड अगेंस्ट द टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन द ईयर। कैंडिडेट मस्ट हैव एबिलिटी टू टीच थ्रू इंग्लिश एज वेल एज हिंदी मीडियम। अब दे दी गई है सैलरी, PGT वेरियस के लिए ₹1,445 पर डे, TGT वेरियस सब्जेक्ट MIL के लिए ₹1,403 पर डे, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए ₹1,364 पर डे, सीनियर लाइब्रेरियन के लिए ₹1,403 पर डे, लैब असिस्टेंट के लिए ₹1,050 पर डे, IT असिस्टेंट के लिए भी ₹1,050 पर डे आपको सैलरी मिल जाएगी। तो दोस्तों मेन मेन सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करा दी गई है। वेटेज ऑफ क्वालिफिकेशन जो 90% वेटेज है वो कहाँ कैसे ली जाएगी। 10th की जो वेटेज होगी वो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए 30 है, TGT के लिए 20 है और PGT के लिए 15 है। 12th के मार्क्स की जो वेटेज है प्राइमरी टीचर के लिए 30, TGT के लिए 20 और PGT के लिए 15 है। ग्रेजुएशन की वेटेज असिस्टेंट टीचर के लिए तो है ही नहीं क्योंकि मांगी ही नहीं गई है, TGT के लिए 30 है और PGT के लिए 20 है। पोस्ट ग्रेजुएशन की वेटेज TGT और PGT के लिए, PRT के लिए नहीं है क्योंकि मांगी नहीं गई है, PGT के लिए 20 है।
डाइट ईटीटी और जेबीटी की प्राइमरी में वेटेज 30 है, टीजीटी और पीआरटी पीजीटी में नहीं है। बीएड की वेटेज टीजीटी में 20 और पीजीटी के लिए भी 20 है। एक्सपीरियंस की वेटेज है 10-10। एक्सपीरियंस अगर आपको कुछ होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 6 महीने से 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 3 नंबर आपको मिलेंगे। 1 साल से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 6 नंबर, और 2 साल से ऊपर का आपके पास अनुभव है तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। तो ये आ रही है दोस्तों बड़ी अपडेट, बड़ी अच्छी रिक्रूटमेंट आ रही है एजुकेशन डिपार्टमेंट एमसीडी ऑफ दिल्ली की तरफ से, जो आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर की गई। वीडियो अच्छा लगा तो आप भी इसे लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।